भाजपा खड़ावदा मंडल द्वारा मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी मंडल खड़ावदा के द्वारा पार्टी का 42वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना तथा अंत में खड़ावदा नगर में गौरव यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र जैन ने सभी कार्यकर्ताओं को आपातकाल और उसके बाद के समय के किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण यात्रा के बारे में जानकारी दी। वहीं मंडल अध्यक्ष चंद्रप्रकाश पंडा ने कहा है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इस युग में पार्टी का कार्य करने का अवसर मिला है। आज हमारे 402 सांसद, 3079 विधायक सहित 18 राज्यों में एनडीए की सरकारें कार्यरत हैं। जिला पंचायत सदस्य रंजना पंडा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र जैन, मंडल अध्यक्ष चंद्रप्रकाश पंडा, जिला पंचायत सदस्य रंजना पंडा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिल्पा धनोतिया, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल गुर्जर, जनपद सदस्य बजरंग धाकड़, जनपद सदस्य प्रतिनिधि अमर सिंह मीणा, सीताराम चारण, रामलाल मेहर, मंडल महामंत्री श्याम सुंदर सिसोदिया, उपाध्यक्ष अशोक फरकिया, प्रकाश धनोतिया, राजन बैरागी, कैलाश फरकिया, डॉक्टर दयाल रावत, किरण जोशी, दौलत सिंह ओढ़, सुनील पटेल, मुकेश मीणा, प्रकाश धाकड़, विष्णु लोहार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्याम सुंदर सिसोदिया तथा आभार कैलाश फरकिया ने माना। गरोड़ संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट।